विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक हो के वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उन्हें अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया, बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गई और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में, ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर ना करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1,00,000 से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। नग्नता से मोक्ष होता तो सारे जानवर और नारकी मोक्ष चले जाते हैं, लेकिन फिर भी कहे नग्गो ही मोक्ष, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। कैसी नग्नता? अंदर से भी नग्न और बाहर से भी नग्न। यहाँ पर भी कहा है कि सो समाधि तेजसा निनायो निर्दय भस्म सत् क्रिया, कि जिन्होंने निर्दयता पूर्वक कर्मों के साथ दया नहीं करी, सब जीवों पर दया की है। आपको पता है स्वयं वा भूते तेन भूतले समज्जस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजतम एन विदुन वतातमा छपा करेणे गुणोत्करे करे। कहते उनके गुणों का उत्कर्ष हो रहा था और उन्होंने सब जीवों पर दया की है, यहाँ तक कि कहते भूत हितेन भूतले, जितने भूमि पर 3 लोक में प्राणी हैं, एक इंद्री हो चाहे निगोदिया हो, उन पर भी उन्हें करुणा के थे। लेकिन दूसरे श्लोक में कहा है कि उन्होंने निर्दयता पूर्वक कर्मों को क्या किया था, ध्यान रूपी अग्नि में निर्दयता पूर्वक भस्म कर दिया था। आप लोग कर्मों पर इतनी दया करते हो कि बस वो बेचारों को चोट नहीं लग जाए, आत्मा को चोट लग जाए लेकिन कर्मों को चोट नहीं लगना चाहिए। आप समझ गए? आप लोग वही हाल है, शादी में कहते हो नए निमंत्रण भेज रहे हैं प्रीवर तुम्हें बुलाने को, और ये मानव के राजहंस तुम भूल न जाना आने को, और वो ज्यादा दिन रुक जाए तो राजहंस लगेगा कि कंस लगेगा? वही ज्यादा दिन रुक जाए तो राजहंस नहीं कंस लगेगा। इसी प्रकार से तुमने बड़े प्यार से कर्मों का आमंत्रण दिया है और कर्म जब आ गए तो फिर परमात्मा से कहते दुष्टन देवगुनी कार साधुनी को रख लीजे, बिनवे सेवक आज हे प्रभु ढील न कीजे। सच बताना, जितना काम तुम परमात्मा को बताते हो इतना काम नौकर को बताओ तो नौकर काम छोड़ के चला जाए। तुम परमात्मा को बिल्कुल हिदायत देते हो, ये काम कर देना ये काम कर देना, एक भी नहीं हुआ तो बोले बेकार है भगवान। हमने कि खुद बेकार हो ये नहीं समझते हो? बोले माता जी हम तो इतनी माला फेरी कुछ नहीं हुआ। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि पापी सुखी कब तक है और पुण्यात्मा दुखी कब तक है, धर्मात्मा दुखी कब तक है? बड़ी सुंदर बात कही है कि जब तक उनके पूर्व जन्मों के कर्मों की श्रृंखला चल रही है,
आपने देखा प्रकृति की भी व्यवस्था है कि आप बीज डालो तो 90 दिन में ज्वार 70 दिन में बाजरा 85 दिन में ऐसे ऐसे फल आते हैं, एक दिन में नहीं आता है। आप आम डालो आम का बीज लगाओ तो क्या होगा 5 साल बाद फल आएंगे, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी है यहाँ अर्घ चढ़े और वहाँ तुम्हारी झोली भरे। बोले देर नहीं करना बिनवे भूधरदास, हे प्रभु ढील ना कीजिए, बिल्कुल देर नहीं कीजिए। तुम बैठे बैठे करते क्या हो? आप कहते हो जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, और क्या कहते हो आगे की लाइनों में, कीजे ऐसा यतन मेटो जामन मरण। क्या कह रहे भगवान, तुम देर नहीं करना, मैं तो और तुम्हारी लोमड़ी की तरह हालत है, स्वर्ग जाना नहीं तो कह दो खट्टे हैं, स्वर्ग जाना नहीं, जैसे लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलने थे तो उसने कह दिया खट्टे हैं, तुम्हें स्वर्ग जाना नहीं तो कह दे स्वर्ग सुख की तो परवाह नहीं है, चाहे नहीं है और जग के दुख की तो परवाह नहीं है। भगवान तुम घबरा के गए, हम जाने वाले नहीं हैं, तुम चले गए होगे डर के, हम थोड़ी डरने वाले, हम तो बिल्कुल स्वर्ग जाना नहीं है और दुखों की परवाह नहीं है, हमने कि बड़े दमदार हो, वो घबरा के चले गए, तुम घबरा के भी जाने वाले नहीं हो। रोज कहते हो भवन में भटक रहा हूँ प्रभु पर मिटी ना तृष्णा की ज्वाला। भगवान भटक रहे हो तो भटक क्यों रहे हो, एक दिन रास्ता भूल जाओ फिर दूसरे दिन सही रास्ता पता लगा के ही चलते हो, और यहाँ भटकने के लिए आए थे क्या? लोग कहते हैं घर छोड़ दो घर नरक है, मैंने कि घर नरक होता है कि तुम्हारा मन नरक है? हर आदमी ने अपना मन नरक बना लिया इसलिए घर नरक है। पत्नी जब वधु शुरू में आती है ससुराल तो क्या कहती, घर है स्वर्ग है, सास ससुर हैं देवी देवता हैं, पति तो भगवान है, लेकिन 2-4 साल बाद देखो क्या हालत होती है। जब पहली बार जमाई ससुराल आता तो कितनी कटोरियां होती हैं थाली में, जैसे जैसे साल बढ़ते हैं कटोरियां घट जाती हैं। हाँ भी कह रहे घटती हैं, जब सही बात, हाँ आदर भी घटता है, कटोरी नहीं घटती है, तुम्हारा सम्मान सम्मान भी घटता है। अरे वहाँ के मान सम्मान बढ़ाओ या नहीं बढ़ाओ, यहाँ अपने अंदर की कसायों को विभाव परिणतियों को ईर्षा को छल को झगड़े को आप देखना, इतनी सी बात हो जाएगी जब तक तिल का ताड़ नहीं कर दो और एक कर रहा होगा दूसरा पैर नहीं खींचे तब तक शांति नहीं पड़ती। ये कर कैसे लेगा? अरे धर्म भी ये सिखाता है, तो फिर तो जुआरी भी क्या बुरा है, जुआरी एक जगह बैठकर 50 जुआरी बैठ जाते हैं, पी भी लेते हैं खा भी लेते हैं, और तुम पुजारी होकर एक मंदिरों में भी लड़ते हो तो कहाँ जाओगे? अरे मरघट मुझे अच्छा लगता है, मरघट में कम से कम जो चला जाए फिर बस जाता उजड़ता नहीं, तुम तो रोज मकान बदलते हो रोज घर बदलते हो रोज कॉलोनियां बदलते हो, मन को बदल लो, क्या करोगे सब बदल लोगे, सब बदल लोगे, मन नहीं बदला तो बेकार है। आज पश्चिम का असर है, हर साल नई गाड़ी चाहिए नई कोठी चाहिए नई पत्नी चाहिए नया पति चाहिए नए जूते चाहिए नया सब कुछ चाहिए, लेकिन मन तो वही पुराना का पुराना है। मन बदल लो, सच बताती हूँ, मंदिर में कितनी भी पूजा करना, क्योंकि तुम्हारा बोहाल है मंदिर में आते तो कहते हो जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए, मंदिर में कहते हो सभी विधि संसारी सारा या में सुखी नहीं लगा रहा, मंदिर के बाहर जाते हो यहाँ भी दिखता तुम्हें वही है। सच बताना अभिषेक में इधर उधर नजर हो जाए और कोई नई बहू आएगी तो आंखें फाड़ फाड़ के देखोगी जैसे फूटी जाएंगी देखते देखते। अरे आंखें भी तो इनकार करती हैं कि कब तक देखोगे तुम राग, हम इसलिए थोड़ी मिले थे, पांचों इंद्रियां माध्यम है संभावना है, चाहो तो देव दर्शन में लगाओ, निरको अंग अंग दिन भर के जासे झलके शांति अपार,
तुम वो शांति देखते, जय गो भगवान तुम्हारी, जय गो जय गो जय गो। हमने कही जय गो, उनकी तो हो गई, तुम अपनी जय की चिंता करो। भगवान जल्दी बुला लियो, जल्दी बुला लियो। और जिस दिन वो बुला ले, कहने लगे आज तुम्हें पता गमी हो गई। हमने कही भगवान गए तो तुम औसव हो गया, तुम गए तो गमी हो गई। अजीब आदमी है, तेरे घर का जाए तो शोक सभा और भगवान जाए तो कल्याणक। अरे आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी ना रहे। वास्तव में वो आते हैं तो आखिरी बार आते हैं, उनका आना कल्याणक हो जाता है। भगवान जब आते हैं तो रत्नों की वृष्टि होती है, तुम्हारे घर में पत्थर तक नहीं बरसते कि मकान बनाने के काम में, और ताने बरसते हैं, लड़ाई झगड़े बरसते हैं, खाना नहीं बनाया बहू ने तो बता देती पहले, सोती पड़ी है बता देती तो हम इनमें ना खा लेते। अरे बोलो बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं तो बता तेरे लिए क्या बना दूं। पड़ोसन से बड़े प्यार से बोलोगी अरे फलाने की बहू ऐसी है कि पूछो मत, जी खुश हो जाता, जी खुश हो जाता है। इतने प्यार से बोलती आंटी जी चाय पी लो। अरे वो एक दिन पूछेगी, तेरी बहू तो रोज पूछती है, एक दिन प्यार से बोला करो। आपको पता है पड़ोसी सिर्फ घर में आग लगा सकते हैं, घर को चिराग तो घर के लोग ही बना सकते हैं। घर को नरक मत बनाना, क्योंकि 23 घंटे उस नरक में रहोगे तो 1 घंटा मंदिर भी नरक ही लगेगा। सच बताना रावण ने भी जाप की थी, लेकिन किस लिए जाप की थी? बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए। विद्या सिद्ध हो गई लेकिन आत्म सिद्धि की उपलब्धि नहीं हुई। ध्यान रखना, हम भी ये नहीं सोचे दूसरों की दुकान बंद हो जाए हमारी चल जाए। हे प्रभु जीवन में सबका भला हो फिर हमारा भी भला हो। ध्यान रखना, एक राजा ने दावत दी, दावत दी तो सबको बहुत राजघराने के खाने का क्या कहना, लेकिन राजा सोच रहा था कि थोड़ी सी थालियां लगी हैं, इतने ही लोग भूखे जाएंगे तो और तो आएंगे ही नहीं। तो राजा ने बढ़िया खाना तो बढ़िया इज्जत के अनुसार बनवाया। आप लोग भी कोई आता तो क्या करते हो? खाना तो 5-6 सब्जियां होंगी और बढ़िया कपड़ा, बढ़िया सफाई हो, फिर भी कहोगे कोई खास तैयारी तो की नहीं, जैसा घर का खाना वैसे ही है। हमने कि दूसरे दिन घर पे आके देखो क्या हालत दिखेगी। कपड़े ऐसे फिट फाट पहने फिरते हो जैसे लगते हो अफसर हो, दूसरे दिन कोई पहुंच जाए तो पता नहीं चले घर की नौकरानी है कि हुई। तुम सच बताना कपड़े अपने लिए पहनते हो कि दूसरों के लिए? किसके लिए? खुद के लिए पहनते हो ना कपड़े, फिर घर में इतने फटे पुराने क्यों पहनते हो? हमारे यहाँ वो मर्यादा थी कि यदि पति नहीं हो तो पत्नी कहती थी नहीं वो नहीं है, हम नहीं जाएंगे घर के बाहर। हाँ सच बताना, यदि पति बाहर गए बोले आज तो फ्री है, आज तो मार्केट चलते हैं। एक एक बार मर्यादाहीनता हुई कितनी महंगी पड़ गई। आज रोज मर्यादाहीनता है, भद्रबाहु संहिता को उठाकर देखना, यदि खुले बाल औरत दिख जाए समझना महा अपशगुन हो गया। आज वो पूरे दिन खुले ही बाल रहती है, ये अपशगुन। आज मैं नहीं कह रही हूँ, भद्रबाहु संहिता में लिखा है। और क्या करना था? जो करना था वो करना छोड़ दिया। बाल बढ़ाने थे, नाखून काटने थे, उल्टा काम कर दिया, बाल कटा लिए नाखून बढ़ा लिए। अब समझ गए, बाल बढ़ा लो तो अच्छी लगो, सौभाग्यशाली दिखो। बाल कब कटाए जाते थे? जब दुख पड़ जाता था, पति वियोग हो जाता था तब। अच्छी अच्छी जब कहो कहाँ जा रही, बोले बाल सेट कराने जा रहे। हमने कि घर सेट कर ले, बाल सेट अपने आप हो जाएंगे। बाल के सेट में फेसियल और ब्यूटी पार्लर के चक्कर में आदमी की जेब खाली हुई जा रही। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मेला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा, अंतर उजला हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी लड़की को देखने गए, मैंने अपने पुत्र वधू के लिए देखने जाना था, तो उन्होंने कहा बेटा महाभारत रामायण पढ़ी है तुमने? बोली रामायण अभी सुन लो, महाभारत घर में जाकर बता दूंगा। समझ गए, महान भारत को महान भारत रहने दो, महाभारत मत बनाओ। क्यों?
मैं तो हमेशा कहती हूँ अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से, अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में। उठो बंधुओं अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है, नए विवाद में नहीं उलझना, स्यादवाद को लाना है। स्यादवाद क्या कहता है, ये इस प्रकार भी है इस प्रकार भी है, जहाँ भी गए वहाँ समन्वय है, जहाँ ही गए वहाँ तकरार है। सासू कहती मेरा ही घर है, बहू कहती मेरा ही घर है, लो तकरार शुरू हो गई। सास कहे बेटा मेरा भी घर है, तू भी ब्याहता आई है, तेरा भी घर है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशया क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक हो के वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुँची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया, बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गई। और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में, ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है, बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है, गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर ना करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से, 1,00,000 से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं, अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र